नंबर दो, कभी एक अच्छा इंसान भी बीमार होता है, ये नहीं कि आप किसी को बीमार देखें तो कहें बहुत गुनाह है शायद इसकी इसलिए बीमारी में मुब्तला हो गया। जरूरी नहीं कि एक इंसान यानी गुनाहगार हो तभी उस पर बीमारी आए, एक आदमी नेक है तभी भी उस पर बीमारी आ सकती है। कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के दराजात ऊंचे करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में तकलीफ में डालता है और ये तकलीफ सब्र के रास्ते से उसकी तरक्की का जरिया बनती है, ये तकलीफ उसको सब्र करने वाला बनाती है। इन्नमा युवफ्फा सबिरून अजरहुम बगैर हिसाब, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर देता है, सब्र लामहदूद बेहिसाब अजर का दरवाजा खोल देता है और बिला हिसाब इंसान के लिए नेमतें और अजर और सवाब का जरिया अल्लाह ताला पैदा फरमाता है सब्र के जरिए से। तो दुनिया में जो बीमारी और तकलीफ आती है, परेशानी आती है, बाज़ औक़ात ये रफ़ दर्जात के लिए भी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल मुमिनीना युशद्दु अलैहिम, मुमिनीन पर दुनिया में तशदीद होती है, शिद्दत के हालात डाले जाते हैं, शदीद तकलीफें उन पर आती हैं मोमिनों पर। ये अल्लाह का मामला है कि मोमिन पर मुसीबत आती है, ये नहीं कि आदमी के चलो अब ईमान लिया अब आसानी आ जाएगी, नहीं, इसके बाद तो अब शिद्दत शुरू होगी। हसीब अन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, के ईमान वालों ने ये समझ रखा था कि हम ईमान लाएंगे, ये समझ लिया है कि हम ईमान ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए। तो इस हदीस से मालूम होता है कि मोमिनीन पर दुनिया में बीमारी आती है और परेशानी आती है और उनका इम्तहान होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल मुमिनीन मुमिनीन युशद्दु अलैहिम, मोमिनीन पर दुनिया में तशदीद की जाती है, मुशक्कत और परेशानी आती है। फइन्नहु लैसा मिन मुमिनिन युसीबुहु नक्बतुन, फइन्नहु लैसा मिन मुमिनिन युसीबुहु नक्बतुन, इसलिए कि किसी मोमिन पर दुनिया के अंदर मुसीबत आती है, नकबा मुसीबत को कहते हैं, शौकतुन वला वजउन, शौकतुन वला वजउन, कोई कांटा उसको चुभता है या वो बीमार पड़ता है, इल्ला रफ़ अल्लाहु अज़्ज़ा वज़ल्ला लहू बिहा दरज़ा वहत्ता बिहा अन्हा अन्हु खतीया, तो अल्लाह ताला इसके जरिए से उसका दर्जा ऊंचा करता है और उसकी बुराई को उसके गुनाह को मिटाता है। इस हदीस को इमाम हाकिम ने और इमाम बहकी ने रिवायत किया है और सही जाम सगीर में शेख अलबानी ने इसको सही कहा है और इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया और ये अल्फाज इमाम मुस्नद अहमद के हैं। तो इस हदीस से मालूम होता है कि किसी मोमिन को कोई कांटा भी चुभता है या उसको बीमारी कोई आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके जरिए से उसका मर्तबा ऊंचा करता है, उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ ऊंचा होता है दुनिया और आखिरत में। तो दूसरा सबब रफ दर्जात के लिए भी बीमारी आती है। तो बाज़ लोग बीमार होते हैं, नेक होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए नहीं कि वो गुनहगार थे बल्कि इसलिए कि वो नेक हैं और उनका दर्जा ऊंचा करना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर बीमारी डालता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं इन्नल अब्द, और ये हदीस गौर से सुने, आप फरमाते हैं इन्नल अब्द इदा सबकत लहु मिन अल्लाह मंजिलतुन लम यबलुगहा बिअमलिही, कोई बंदा ऐसा भी होता है कि अल्लाह के यहाँ उसका एक खास मकाम होता है, वो अच्छा इंसान होता है लेकिन अमल के मौके उसको उतने मिलते नहीं है, वो अपने अमल के जरिए से अपना वो मकाम पा नहीं सकता है जो अल्लाह के यहाँ उसका है। इन्नल अब्द इदा सबकत लहु मिन अल्लाह मंजिलतुन लम यबलुगहा बिअमलिही, एक बंदा अल्लाह के यहाँ उसका एक मकाम होता है, अल्लाह जानता है ये अच्छा बंदा है लेकिन वो अपने अमल के जरिए से उस मकाम को नहीं पा सकता है। इब्तलाहुल्लाहु फी जसदिही औ फी मालिही औ फी वलदिही, अल्लाह ताला उसके जिस्म में या उसके माल में या उसकी औलाद में मुसीबत डालता है, आजमाइश पैदा कर देता है। ثم صبره على ذلك, फिर अल्लाह ताला उस मुसीबत पर उसको सब्र भी देता है। حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى, यहाँ तक कि सब्र के जरिए से अल्लाह ताला उसको उस मकाम तक पहुँचा देता है, उस दर्जे तक पहुँचा देता है जो अल्लाह के यहाँ उसका मकाम है। बाज़ बंदे ऐसे होते हैं, अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं,
लेकिन जिंदगी में उनके लिए नेक अमल करने की वो मौके उनको नसीब नहीं होते हैं, लेकिन होते अच्छे हैं कि काश अगर उनका मौका मिलता तो बहुत आगे निकल जाता। तो बाज़ बंदे ऐसे होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदों को दुनिया में मुसीबत में डालता है, कभी उन पर बीमारी आती है, कभी माली नुकसान होता है, कभी औलाद को बीमारी होती है, कोई परेशान होते हैं, तो इन मुसीबतों को एक के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर डालता है और फिर उस बंदे को वो मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है जो वाकई अल्लाह के यहाँ उसका मकाम है। तो जो अमल के जरिए से मकाम नहीं पा सका, बाज़ लोग ने क्या कर रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, नफल सदकात कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, उम्रे पे उम्रे कर रहे हैं, उस बंदे के लिए मौका नहीं है, लेकिन अगर मौका मिलता तो वो करता। बल्कि बाज़ औक़ात उनसे भी ऊंचा मकाम उसका है, उनसे भी आला किस्म का इंसान है, क्योंकि इंसान को आजमाया जाता है उसके कल्ब की सतह पर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ औक़ात ये मुसीबतें डालकर ऐसे बंदों को, ऐसे अच्छे लोगों को अल्लाह ताला ऊंचा मकाम नसीब फरमाता है जो अल्लाह के पास है। तो एक आदमी को देखना चाहिए कि अगर कोई परेशानी उस पर आई है और वो सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, बाज़ औक़ात सोचता है आदमी मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, रोजे रख रहा हूँ, तहज्जुद पढ़ता हूँ, जिक्र करता हूँ, तिलावत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लोगों का किसी का मैंने बुरा नहीं किया, मुझ पर ही मुसीबत क्यों आ रही है। कभी शैतान उसके कान में आके कहता है कि देख सब करके भी क्या फायदा, फुला को देख कितना गुनाहगार है, मजे में है, ऐश में है, तू दीनदार है कि इतनी परेशानी में, क्या भला किया तेरा अल्लाह ने। बाज़ औक़ात इंसान इस तरह से मुसीबत जब आती है तो गफलत की वजह से, शैतान के वसवसों की वजह से गुमराह भी हो जाता है। ये मौका अल्लाह की तरफ से दिया गया था, जाया कर दिया। लेकिन अगर वो ये सोचे कि हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको ऊंचा मकाम देना चाहता है, मेरे लिए एक मौका है अल्लाह की तरफ से, तो ऐसा भी होता है, आदमी को इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। इन अल्लाह ताला इदा अहब्बा कौमन इब्तलाहुम, अल्लाह ताला जब किसी के साथ मोहब्बत का मामला फरमाता है तो उसको मुसीबत में मुबतला करता है। फमन रदिया फलहु रिदा वमन सखित फलहु सखत, तो फिर जो आदमी इस मुसीबत पर अल्लाह से राजी हो जाता है अल्लाह भी उससे राजी होता है, और जो अल्लाह से नाराज हो जाता है अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। तो बाज़ बंदे ऐसे होते हैं कि वो अच्छे होते हैं लेकिन बहुत सारे अमाल वो नहीं कर पाते हैं, अल्लाह ताला इन बीमारियों के जरिए से उनका मकाम ऊंचा करता है, अल्लाह के पास एक खास मकाम उनका होता है, अल्लाह ताला इस तकलीफ के जरिए से, बीमारी के जरिए से उसको मकाम अता फरमाता है। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद और अबू याला और तबरानी ने अल कबीर में और इसी तरह से अल औसत में इस हदीस को रिवायत किया है, और अस्सहीहा में और सही तरगीब में शेख अल अलबानी ने कहा कि यह हदीस सही लगैरी है, यह हदीस सही है। इस तरह की और भी हदीसें इस माना में आई हैं, इसको और भी मुहदिसीन ने रिवायत किया है। तो ये दूसरा सबब हुआ जो मोमिनीन और नेक बंदों के ऊपर दुनिया में बीमारी और मुसीबत आती है।